और अगर आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है तो ये खबर हर पेरेंट्स को देखनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन गेम की लत आपके बच्चे की जान की दुश्मन बन सकती है। दरअसल नागौर जिले के लाडनू में एक ऐसा ही केस सामने आया है जहां पर 12 साल के बच्चे का शव नाले के पास मिला है। बच्चा पिछले 5 दिन से घर से लापता था। जानकारी के अनुसार 8 दिसंबर को बच्चे के गायब होने के बाद परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लाडनू थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद परिजनों को फिरौती के लिए कॉल आया। परिजनों ने फिरौती मांगे जाने की जानकारी पुलिस को दी तो लाडनू पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर मामले की जांच शुरू की। साइबर एक्सपर्ट का सहारा लेने पर लाडनू पुलिस के सामने परिवार के ही किसी सदस्य के इस मामले में संलिप्त होने की बात सामने आई। जांच में सामने आया कि मृतक बच्चे के ही नाबालिग चचेरे भाई पर शक हुआ। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो पूरा खेल खुल गया। आरोपी ने बताया कि वो और मृतक दोनों ही ऑनलाइन गेम खेला करते थे, आदि थे इसके, और उसमें काफी पैसा भी दोनों लगा चुके थे। दोनों के बीच गेम को लेकर अक्सर बहस हुआ करती थी, जिसमें उसने गला दबाकर अपने चचेरे भाई की आखिरकार हत्या कर दी। वहीं पास में नाले के नजदीक गड्ढे में उसको दफना दिया। परिजनों और पुलिस को गुमराह करने के लिए हर वक्त पुलिस और परिजनों के साथ मौजूद रहता था। उसने फिरौती मांगने के लिए मृतक के मोबाइल से ही सिम निकालकर रिश्तेदारों के मोबाइल से हॉटस्पॉट लेकर फर्जी आईडी बनाई और फिरौती के लिए कॉल किया। एक सट्टे जैसी लत उनके पड़ गई, जिसके कारण ये उन्होंने कदम उठाया। उस बच्चे को जिस दिन इन्होंने अपने साथ लेकर के और खेत में लेके गए, उसी दिन इसने हत्या करके जमीन में गाड़ दिया गया। हमने इनके सारे जितने भी एविडेंस थे वो इंपॉर्टेंट रखते हुए एफएसएल टीम को भी श्रीमान एसपी साहब ने भेजा, खुद भी पधारे, सारे उच्च अधिकारी गए और पूरी टीम के सामने सबको निकाला गया, सारे साक्ष्य इकट्ठे किए गए और जो इस पूरी घटना में शामिल था उसको, बच्चे को निरुद्ध किया गया।